इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो टीम इंडिया के लिए शानदार रही है। 3-1 से टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा जमाया है। और अगर आप देखेंगे तो साल 2024 टीम इंडिया के लिए T20 क्रिकेट में तो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रहा है और शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा है। अगर आप देखेंगे विनिंग परसेंटेज के मामले में तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को यहां पर पीछे छोड़ दिया। इस साल टीम इंडिया ने 26 T20I मुकाबले खेले हैं और 26 में से 24 T20I मुकाबले टीम इंडिया जीतने में कामयाब रही है। सिर्फ दो ही मुकाबले हारे हैं, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ गवाया और एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अगर आप इस साल टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज देखेंगे तो 92.31% मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं। ये एक साल में किसी भी टीम द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज में काउंट हो गया है। पाकिस्तान का इससे पहले रिकॉर्ड था 2018 में, उन्होंने 19 में से 17 मुकाबले जीते थे और उनका विनिंग परसेंटेज जो था वो 89.47 था 2018 में। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए टीम इंडिया आगे निकल गई है और 92.31% मैचेस टीम इंडिया ने इस साल जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं बल्कि टी ट्वेंटी की तो वहां पर तमिलनाडु का रिकॉर्ड जो है वो सबसे ज्यादा शानदार है। एक साल में तमिलनाडु ने 16 में से 15 मुकाबले जीते थे और 93.75% के साथ 2021 में तमिलनाडु की टीम ने सबसे ज्यादा T20 मुकाबले जीतने में कामयाबी हासिल की थी। बाउंड्रीज की बात करें तो इस साल टीम इंडिया ने 4.68 बॉल्स के बाद यहाँ पर एक बाउंड्री जरूर लगाई है। हर बाउंड्री यहां पर लगाने के लिए सिर्फ 4.68 गेंद लगी है टीम इंडिया को और ये जो है हम इंडिया के लिए बेस्ट एवर रेशो है। इतने कम बॉल्स में हर बाउंड्री लगाना यहां पर टीम इंडिया ने पहली बार ही किया है और 12.19 बॉल पर सिक्स लगाना, मतलब लगभग हर 12 बॉल के बाद टीम इंडिया ने एक छक्का लगाया इस साल T20I क्रिकेट में, जो कि अपने आप में एक बार फिर से बेस्ट है। और 9 बार टीम इंडिया ने यहां पर 200 प्लस का रिकॉर्ड जो है हासिल किया है इस साल T20Is में, अगेन ये भी हाईएस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स टीम इंडिया ने इस साल बनाए हैं T20I क्रिकेट में। सबसे ज्यादा जीत की प्रतिशत का रिकॉर्ड भी अब टीम इंडिया के नाम हो गया है। पाकिस्तान को टीम इंडिया ने यहां पर पीछे छोड़ दिया है। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।